हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछ लिया जाता है कि आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस जैसे हमने लॉज पढ़े थे, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज़ लॉ, उन तीनों लॉज को कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ही डिफरेंस है इसमें, जैसे इट ओबेज गैस लॉज ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसी गैस जो गैस लॉ को ओबे करती है हर एक कंडीशन पे, मतलब हर एक कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक कंडीशन पे वो उसको ओबे करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम आइडियल गैस बोलते हैं। पर जैसे कि हमें पता है कि ऐसी कोई गैस नहीं है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है आइडियल गैस का, वो कंसेप्ट क्या था, थियोरटिकल कंसेप्ट था। बाद में जब ऑब्जर्वेशन की गई ना बाद में, तो ऐसा पाया गया कि जो आइडियल गैस थी, आइडियल गैस क्या थी, ये थियोरटिकली थी, हिपोथेटिकल थी मतलब। ठीक है, और जो गैस है वो उसके लिए कंडीशन थी, अगर गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस लॉ को फुल ओबे करती है तो वो उस इस तरह की गैस को क्या बोला गया, रियल गैस बोला गया। ठीक है, तो इसका क्या डिफरेंस होगा, इट ओबेज गैस लॉज ओनली अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इस गैस को क्या बोला गया, रियल गैसेस बोला गया, जो क्या करती है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस लॉ को ओबे करती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, रियल गैसेस कहा गया। ठीक है, और सेकंड डिफरेंस है इसका आइडियल गैस इक्वेशन का, एक्चुअल में जब बाद में ऑब्जर्व किया गया आइडियल गैस के बिहेवियर को स्टडी किया गया, तो बाद में पाया गया कि कोई भी गैस आइडियली बिहेव नहीं करती है, जैसे नो गैस इज आइडियल। ठीक है, कोई भी गैस क्या थी, आइडियल नहीं थी। और इसमें क्या डिफरेंस है कि जितनी भी गैसेस थी वो रियल थी, ऑल गैसेस आर रियल, मतलब ये गैस लॉ को तभी फॉलो कर रही थी अगर हम इसको लो प्रेशर पे लें और हाई टेम्परेचर पे लेते हैं तभी ये गैस लॉ को ओबे कर रही थी। ठीक है, तो मैक्सिमम जितनी भी गैसेस हैं वो क्या थी, रियल पाई गई। ठीक है, और थर्ड था, जैसे हमने थर्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पॉस्टुलेट थे उसमें मैंने दो पॉस्टुलेट जो थे वो इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल ऑक्युपाइड बाय द गैस। ठीक है, अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में तो ये पॉस्टुलेट बताया गया था कि अगर हम जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा
मॉलिक्यूल्स लेते हैं गैस के, तो इनका वॉल्यूम होता है कुछ, अगर हम टोटल वॉल्यूम लेते हैं और एक मॉलिक्यूल का जो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको हम उसमें से क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इस वाले वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा गया था उस काइनेटिक थ्योरी में, पर ये बाद में गलत साबित हुई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्योंकि अब हम जैसे बहुत ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल हैं तो उसको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या था ये पॉस्टुलेट, रियल गैस के अकॉर्डिंग क्या बना, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ठीक है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम था, तो एक गैस के मॉलिक्यूल को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या आ रही थी, डेविएशन आ रही थी, जब ग्राफ प्लॉट किए गए तो उसमें डेविएशन आ रही थी, उससे कंक्लूड करके निकाला गया कि ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो पॉस्टुलेट था वो मतलब इसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, और फोर्थ है इसमें डिफरेंस, जो क्योंकि जैसे कि आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसका कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, पर बाद में ये जो पॉस्टुलेट था ये भी रियल गैस में क्योंकि डेविएशन आने लगी तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बना, पहले तो यही था द आइडियल गैस के अकॉर्डिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर नेग्लिजिबल। मतलब हमने क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं तो हम क्या बोल सकते थे कि जो मॉलिक्यूल हैं गैस के इनका एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं होती इसके बीच में, बट ये क्योंकि जो बाद में ग्राफ बनाए गए, ठीक है, तो पाया गया कि इसमें जब हाई टेम्प या हाई प्रेशर दे दें, मतलब पहले गैस के मॉलिक्यूल ये हैं और इसको ज़्यादा इसका वॉल्यूम इतना हो जाता है, मतलब इसको प्रेशर दे दें और इसका टेम्परेचर लो कर दें, तो इसमें क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये पॉस्टुलेट गलत साबित हो रहा है। ठीक है, तो क्या था ये, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन among the molecules cannot be neglected at high pressure and low temperature। ठीक है, लगे बता। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा फिफ्थ, इसका डिफरेंस, इट ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इट ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो आइडियल गैस थी वो इस गैस इक्वेशन को ओबे करती थी, और जो रियल गैस थी वो वैंडरवॉल इक्वेशन को ओबे करती थी। ठीक है, इट ओबेज
इट ओबेज वैंडरवॉल्स इक्वेशन. वैंडरवॉल इक्वेशन क्या थी? पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर एन स्क्वेयर, ठीक है, और वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, एन आर टी. ये इस वैंडरवॉल इक्वेशन को ओबे करती थी रियल गैस. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.